हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल मोनिका गर्ग क्लासेस। लिक्विडेशन की सीरीज़ को हम कर रहे थे, उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं आज उनको भी कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी सीरीज स्टार्टिंग से देखना, बीच से स्टार्ट मत करना। जब चीज़ें कॉन्टीन्यूटी में चलेंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सकें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग 9th क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, जहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया लिक्विडेशन से रिलेटेड। कि अगर आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्पैरिटी है, यानी अलग अलग अमाउंट उन्होंने दी हुई है, तो कैसे आप डील करोगे, सरप्लस को कैसे उनके बीच में शेयर करोगे, या कॉल इन एरियर का कंसेप्ट होगा तो हम उसको कैसे डील करेंगे। इन्हें टॉपिक्स को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब भी कॉल इन एरियर होगा तो हम ये मान लेंगे कि वो कॉल इन एरियर आपको रिकवर हो गया है, यानी उसका पैसा आपको मिल गया है। और उसका पैसा मिलने के बाद जो हमारे पास कैश होगा, जो हमारे पास रिसिप्ट टोटल बनेगी, उनको फिर लिक्विडेटर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। और अगर आपके क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस होता है तो हम मान लेंगे कि वो कॉल इन एडवांस वापस कर दिया गया होगा, यानी वो पैसे जिसके हैं उसको दे दिए गए होंगे। उसके बाद जो पैसे बचेंगे हमारे पास, उनके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग कॉल इन एरियर का कंसेप्ट भी देखेंगे, और उसके साथ साथ एक हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में डिस्कशन किया था कि जो एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उन्हें क्या होता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से प्रेफरेंस होती है, यानी कोई भी पैसा जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलता है उससे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यानी जिनको प्रेफरेंस है। हमने एक पूरा डिस्कशन किया था इसके ऊपर कि किन किन पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़ को हम मानते हैं कि उनके जो क्रेडिटर्स हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं। उन्हीं में से एक थी आपके एम्प्लॉय, जो इस क्वेश्चन का पार्ट बनेंगे। वैसे तो देखो कोई भी हो सकता है यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बट इस क्वेश्चन में आपका एम्प्लॉयज़ पार्ट बनेंगे। और एम्प्लॉयज़ के पार्ट पर हमें एक हमेशा चीज़ ध्यान रखनी है कि एक एम्प्लॉय के जितने पैसे हमें देने हैं उसमें से मैक्सिमम 20,000 को ही किस में इंक्लूड किया जा सकता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में इंक्लूड किया जा सकता है। यानी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की मैक्सिमम 20,000 एंड 4 मंथ की सैलरी, दोनों चीज़ें कंडीशन है। 4 महीने से ऊपर की सैलरी है वो भी इंक्लूड नहीं होगी। मतलब अगर मान लो 5 महीने की सैलरी है तो उस केस में हम सिर्फ 4 महीने की सैलरी को ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में इंक्लूड करेंगे। और अगर क्या है वो पर्टिकुलर सैलरी 4 महीने की या 3 महीने की जितने की भी होगी, वो 20,000 से ज़्यादा है तो हम 20,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। मैक्सिमम 20,000 को ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी होंगे वो अनसिक्योर्ड मान लिए जाएंगे। से मान लो आपके पास टोटल 25,000 की एक एम्प्लॉई है, से एस, उस एम्प्लॉय की टोटल सैलरी जो पेंडिंग पड़ी है वो 25,000 पड़ी है। तो इस 25,000 में से 20,000 को हम मानेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और बाकी 5,000 को हम मानेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। वैसे तो देखो पेमेंट ही करनी है चाहे कुछ भी मान के करें, लेकिन हो सकता है कि हम इनको तो पूरा पैसा दे दें और इनके लिए हमारे पास पैसा बचे ही नहीं। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि पहले ये 20,000 दिए जाएंगे और भी हो सकते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ इन 5,000 की पेमेंट की जाएगी। क्वेश्चंस पे आते हैं, अच्छे से क्लियर होगा वहाँ पर। देखो क्या दिया है हमें, आनंद लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को आनंद लिमिटेड लिक्विडेशन में जा रही है। उसकी लायबिलिटी में आपको ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हैं 1,30,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है 36,800 का, सैलरी ऑफ 3 क्लर्क फॉर 4 मंथ, 3 क्लर्क हैं उनकी सैलरी दी है 4 महीने की, 1 महीने की सैलरी 8,000 है, 8,000 पर मंथ है पर क्लर्क। दूसरी आपको दी है वेजेस दी हैं 2 वर्कर्स की 3 महीने की, 1 महीने की 4,000 रुपये पर मंथ है पर वर्कर की। तो देखो सैलरी वेजेस दोनों की चीज़ें कंसेप्ट किस में देखनी पड़ेंगी हमें, कि इसमें से कितनी प्रेफरेंशियल हैं और कितनी नहीं है। जैसे मान लो पहले बात कर लेते हैं हम क्लर्क की, क्लर्क की हमें क्या बोला, 3 क्लर्क हैं, 3 क्लर्क हैं, 4 महीने की सैलरी है
और एक क्लर्क की पर मंथ सैलरी है 8,000 पर मंथ। तो देखो हम पर क्लर्क की बात करते हैं, अगर हम एक क्लर्क की बात करें, क्योंकि जो 20,000 की लिमिट है ये टोटल के लिए नहीं है, एक पर्सन के लिए है, तो एक पर्सन की टोटल पैसे कितने पेंडिंग हैं, 8,000 एक मंथ के पेंडिंग है, 4 मंथ का उसका देना पेंडिंग है, यानी टोटल 32,000 रुपीज़ हमें एक क्लर्क को देने हैं। इस 32,000 में से 20,000 होंगे हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और बाकी के 12,000 होंगे आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब एक क्लर्क के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 20,000 हैं, तो 3 क्लर्क के होंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 60,000 के और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 36,000 के। समझ में आया कैसे किया, एक के 20 हैं तो 3 के 20,000 मल्टीप्लाई 3 और एक के 12 हैं तो 3 के हो गए 36,000। यानी जब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे तो इन सैलरी के नाम के, क्लर्क की सैलरी है इसके हमें 60,000 प्रेफरेंशियल हैं और 36,000 अनसिक्योर्ड हमारे क्रेडिटर्स हैं। उसके बाद हमें वेजेस दी थी 2 वर्कर की 3 महीने की, 4,000 रुपये पर मंथ है पर वर्कर। इसको भी कर लेते हैं कि कितना आपका प्रेफरेंशियल होगा, चलो इसको सेपरेट कर देते हैं थोड़ा सा। वेजेस की बात कर रहे हैं, हमारे पास 2 वर्कर हैं, 3 मंथ हैं, 4 मंथ से नीचे हैं तो मंथ का हमें उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 4 महीने से ऊपर की अलाउड नहीं होती। बेसिकली 4,000 रुपये पर मंथ है, पर मंथ। तो एक वर्कर की निकाल लेते हैं, एक वर्कर की टोटल पेंडिंग है 3 महीने के, यानी 12,000। तो 12,000 को तो हम टोटल ही किस में ले सकते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में ले सकते हैं, और एक वर्कर के 12 हैं तो 2 वर्कर के हो गए 24,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। यहाँ से हमें क्या पता चला, 60,000 ये और 24,000 ये टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं हमारे 60,000 प्लस 24,000 इज इक्वल्स टू 84। इनके अलावा क्वेश्चन में और दिए होंगे तो वो भी लेंगे, अभी तक जो हमें पता चले हैं और अनसिक्योर्ड हमें पता चले हैं हमारे 36,000। आगे क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, आगे इन्होंने हमें दिया है कि प्रेफरेंस कैपिटल है आपकी 10 रुपये का एक शेयर है, 7 रुपीज़ कोल्ड अप है, टोटल 7 लाख की है। इक्विटी शेयर्स दिए हैं 5 लाख के हैं, यानी 1 लाख शेयर्स हैं, 10 का एक है, 5 कोल्ड अप है, तो 5 लाख की कोल्ड अप कैपिटल है, लेकिन उसमें से 20,000 कॉल इन एरियर हैं, अब बचे हमारे 4,80,000। उसके बाद हमें दिए गए हैं कॉल इन एडवांस, प्रेफरेंस शेयर्स की 60 है, इक्विटी की 25 है। एक चीज़ और हमने देखो, कॉल इन एरियर है 20,000 का, इसकी तो हम मान लेंगे रिसिप्ट, तो हम क्या कर देंगे, कॉल इन एरियर हम मान लेंगे कि हमें रिकवर हो गया होगा, जब तक कुछ नहीं कहा है हम मान लेंगे रिकवर हो गया है, तो वो 20,000 ले लेंगे, और जो ये कॉल इन एडवांस है इनको रिटर्न कर दिया जाएगा। बट हाँ, एक हमेशा ध्यान रखना, चाहे कॉल इन एडवांस रिटर्न करना होता है, लेकिन इनको रिटर्न बाहर वालों का पैसा देने के बाद किया जाता है, यानी जब सारी लायबिलिटीज पे हो जाएंगी क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग, यहाँ पर यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा देने के बाद जो पैसे बचते हैं उनमें से इनकी एडवांस को रिटर्न किया जाता है। अगर आपके क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट नहीं मिलता है तो इनको भी इनका एडवांस वापस नहीं मिलता है। आगे क्वेश्चन देखो, असेट रियलाइज 11,94,800, असेट से हमें इतने पैसे मिले हैं, लिक्विडेशन के खर्चे 3,000 के हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो प्रियर राइट टू कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी कैपिटल पहले लेने का राइट नहीं है, और आपको लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करनी है। तो देखो थोड़ा सा बुक से ही करते हैं इस क्वेश्चन को, टाइम सेव होगा हमारा। सबसे पहले हमें रिसिप्ट साइड में लेना होता है कि हमें क्या क्या मिला। तो देखो, एक तो हमें 11,94,800 की असेट्स बेची, वो हमें रिसीव हो गई, वो ले लेंगे। दूसरा हमने कहा था कॉल इन एरियर को हम मान लेंगे कि रिसीव हो गए होंगे, तो 20,000 हमें वो रिसीव हो जाएंगे, यानी टोटल हमारे पास यानी लिक्विडेटर के पास जो कैश है वो है 12,14,800, जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले हम लीगल एक्सपेंसेस देते हैं, लीगल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है नहीं है, स्किप डैट। उसके बाद लिक्विडेटर की रेमुनरेशन देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में लिक्विडेटर की रेमुनरेशन के बारे में भी कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम उसको भी स्किप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो हम अपने आप तो नहीं मान सकते।
थर्ड नंबर आता है लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस का, जो कि आपको 3,000 दिए गए हैं कि एक्सपेंसेस लिक्विडेशन के 3,000 हुए हैं तो पे कर देंगे बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,000। उसके बाद डिबेंचर होल्डर का नंबर आता है, डिबेंचर होल्डर क्वेश्चन में नहीं है, उनको भी छोड़ देंगे। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे पास सैलरी है, वेजेस हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। और सैलरी और वेजेस की अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली थी कि प्रेफरेंशियल कितनी बन रही है, 84 बन रही है, तो बेसिकली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 84,000 हो गए, इनकी पेमेंट कर दी जाएगी। अभी भी पैसा बचा हुआ है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का नंबर आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे निकले थे 36,000 के। क्वेश्चन में और देख लेते हैं, इनके अलावा और भी कुछ है क्या। ट्रेड क्रेडिटर्स अलग से भी दिए हुए हैं 1,30,000 के, ये भी आपके अनसिक्योर्ड हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी जब तक नहीं कहा गया है किसी चीज़ से सिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड ही है ये, 36,800। यानी ये तीनों क्या हो गए, अनसिक्योर्ड हो गए, तो तीनों की पेमेंट कर देंगे। तीनों का अगर हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 2,02,800, ये भी पे कर देते हैं 2,02,800। इसके बाद हमने कहा था कि कॉल इन एडवांस अगर है तो जैसे ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी सबसे पहले जिनका एडवांस आया है उनको जाएगा। तो देखो 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे एडवांस आया है, 25 इक्विटी पे आया है, तो दोनों रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देंगे। पैसे जितने बचे हुए हैं देखते चलेंगे साथ साथ। अभी भी हमारे पास पैसे बचे हुए हैं कितने, 8,40,000। देखो मैंने कैलकुलेशन पहले से की हुई है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ तक का सारा अमाउंट लेस करोगे तो आपके पास जो पैसे बचेंगे वो बचेंगे 8,40,000। और ये 8,40,000 देने किसको हैं, देखो प्रेफरेंस वालों को कोई प्रियर राइट तो है नहीं, यानी प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों हमारे लिए बराबर हैं और दोनों को देने हैं। हमारे पास कैश बचा है 8,40,000 और देखो हमें क्या दिया हुआ था, 1,00,000 तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे और उनके ऊपर 7 रुपीज़ पेड अप हैं। दूसरे हमारे पास 1,00,000 इक्विटी शेयर्स भी हैं जिनके ऊपर 5 रुपये पेड अप हैं। और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, अगर आपने वो वीडियो देखी है, तो हमें क्या करना होता है, अगर इनको प्रेफरेंस वालों को प्रियर राइट होता तो पहले प्रेफरेंस वालों के 7,00,000 रुपये हमारे पास आए हुए हैं वो रिटर्न करने की हम सोचते, 7,00,000 तो इसमें से रिटर्न करते, बचे हुए 1,40,000 इक्विटी वालों को दिए जाते। बट बेसिकली उनको कोई प्रियर राइट नहीं है तो दोनों बराबर हैं, और जो कि दोनों बराबर हैं तो लॉस दोनों को बराबर होना चाहिए, सिंपल रूल है। तो जिन्होंने एक्सेस दिया हुआ है पहले वो एक्सेस वापस करेंगे। ज़्यादा किसने दिया हुआ है, प्रेफरेंस वालों ने 2 रुपये एक्स्ट्रा दिए हुए इक्विटी वालों से, तो प्रेफरेंस वालों के 2 रुपये पर शेयर रिटर्न कर देते हैं, 2 रुपीज़ पर शेयर रिटर्न करने हैं। 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर हैं यानी 2,00,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर्स को सीधा दे दिए जाएंगे। किसको दिए मैंने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2,00,000 रुपये दिए। इनको 2,00,000 देने के बाद जो मेरे पास पैसे बचेंगे वो बचेंगे 6,40,000। अब वो 6,40,000 तो सबके हैं, दो जो प्रेफरेंस वालों ने एक्सेस दिया था वो मैंने इनको पहले ही रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब बचे हुए 6,40,000 सबको दिए जाएंगे। 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1,00,000 इक्विटी हैं, यानी टोटल 2,00,000 शेयर्स में ये बांट दिए जाएंगे। तो इनके हिस्से में जो आएंगे वो आएंगे 3 रुपीज़ 20 पैसे पर शेयर। तो देखो प्रेफरेंस वालों को क्या मिला, प्रेफरेंस शेयर्स को 2 रुपये पहले दिए थे, 3 रुपये 20 पैसे बाद में आए, यानी 1 प्रेफरेंस शेयर पर 5 रुपये 20 पैसे की आप पेमेंट करोगे। और इक्विटी शेयर को क्या मिलेगा, 3 रुपये 20 पैसे। यानी अगर हम देखने जाएं प्रेफरेंस शेयर्स की, 1,00,000 शेयर्स हैं, एक शेयर पे 5,00,000 5 रुपये 20 पैसे मिल रहे हैं, यानी टोटल 5,20,000 रुपये तो हमें प्रेफरेंस वालों को देने हैं। और इक्विटी वाले भी 1,00,000 शेयर्स हैं, एक शेयर पे 3 रुपये 20 पैसे मिल रहे हैं, यानी 3,20,000 हमें इक्विटी वालों को देने हैं। टोटल हो गए 8,40,000 जो हमारे पास बचे हुए। देखो यही करेंगे हम, 5,20,000 प्रेफरेंस शेयर्स को दे देंगे और इक्विटी शेयर्स को 3,20,000 रुपये उनके दे दिए जाएंगे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लिक्विडेटर के पास जितना कैश था उसने सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट ऑर्डरली कर दिया है। आगे चलते हैं, कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स।
देखो हमने जब स्टार्टिंग में थ्योरी की थी हमने तभी डिस्कस कर लिया था कि अगर क्या है शेयर्स जो हैं पार्टली पेड अप हैं और कंपनी के पास जो पैसा है वो इनसफिशिएंट है अपने आउटसाइडर्स को देने के लिए, तो कंपनी क्या करती है, जो पैसा इक्विटी वालों से मंगवाना बचा हुआ है वो उसको कॉल कर सकती है। देखो एक सिंपल सा रूल है कि अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और उसके ऊपर अभी तक 7 रुपये कोल्ड अप एंड पेड अप दोनों हैं, तो एक शेयर से हम 10 रुपये से ज़्यादा तो नहीं मंगवा सकते, और जब वो 7 रुपये पहले दे चुका है तो वो 3 रुपये से ज़्यादा तो अब नहीं देगा, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन अगर कंपनी मान लो क्रेडिटर्स को पूरा पे नहीं कर पा रही, से उसके पास 2 लाख रुपये कम पड़ रहे हैं और उसके पास से 20,000 शेयर्स हैं जिनके ऊपर 3 रुपये वो और मंगवा सकती है, तो क्रेडिटर्स नहीं कहेंगे कि हमने तो यहाँ की शेयर कैपिटल देखी थी वो 10 रुपये के अकॉर्डिंग देखी थी, तो ये जो लॉस है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स ओनर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, तो लॉस तो जितना मैक्सिमम बियर करेंगे ये लोग करेंगे। क्रेडिटर्स का नंबर तो तब आएगा लॉस का कि जब इनका मैक्सिमम लॉस जो ये बियर कर सकते थे वो ये दे चुके हैं, यानी बेसिकली जब तक इनसे हम कुछ पैसा मंगवा सकते हैं तब तक क्रेडिटर्स क्यों लॉस बियर करें। तो अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं और आपकी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्रेडिटर्स को पूरी पेमेंट कर पाए, तो उस केस में कंपनी को जितनी कॉल इक्विटी शेयर से की जा सकती है एज़ पर रिक्वायरमेंट। एज़ पर रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि से मान लो कंपनी के पास 20,000 ना होके 1 लाख शेयर्स होते, तो 1 लाख शेयर्स पे अगर वो 3 रुपये मंगवाएगी तो 3 लाख रुपये आ जाएंगे। उसे तो क्रेडिटर को 2 लाख ही देने हैं, तो उसे 3 लाख मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ 2 लाख मंगवाए, यानी 3 रुपये मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मंगवाए। क्यों? क्योंकि अगर वो 3 मंगवा लेगी, एज्यूम कर रही हूँ मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे तो पूरे 3 मंगवाने पड़ेंगे, उनकी भी पहले राइट है इक्विटी से, कि मान लो अब कंपनी इनसे 3 लाख रुपए मंगवा लेगी तो 2 लाख क्रेडिटर्स को देगी और बचे हुए 1 लाख इनको वापस करेगी, और 1 लाख वापस कैसे करेगी, 1-1 रुपए, तो आप इनसे 3-3 मंगवाओ, 1-1 वापस करो, इससे अच्छा 2 ही मंगवा लो। यानी जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी एज पर द क्वेश्चन उतनी अमाउंट हम कॉल करेंगे शेयर होल्डर से, और हमेशा सिर्फ पेमेंट करने के लिए पैसे कम बचेंगे उस केस में तो देखो मंगवाने ही पड़ेंगे। कई बार हमने कहा कि लॉस बराबर बांटना होता है, तो अगर बिना मंगवाए लॉस बराबर नहीं बट सकता तो उस केस में भी हमें उनसे पैसा मंगवाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, उस चीज़ को अभी छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन में इस चीज़ की बात नहीं होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में होगी तो उस टाइम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो जितने पैसे की कमी पड़ेगी वो सारे के सारे शेयर होल्डर से हम कॉल कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Sunrise Limited went into voluntary liquidation on 15 July 2013. यानी Sunrise Limited एक कंपनी है जो 15 जुलाई 2013 को लिक्विडेट हो रही है। उसकी लायबिलिटी आपको सबसे पहले दी है इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो देखो इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में थी, तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। सैलरी दी है 2 क्लर्क की और 1 की 25,000 है, पर 1 की तो अलाउड 20,000 तक ही होती है, तो यानी 25,000 में से 20,000 पर क्लर्क प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगी और 5,000 पर क्लर्क किस में आएगी, अनसिक्योर्ड में आएगी। 2 क्लर्क हैं यानी 40,000 टोटल प्रेफरेंशियल में आएगी और 10,000 आपकी अनसिक्योर्ड में यहाँ पर इंक्लूड होंगे। इनसे अलग जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं वो 2,05,000 के हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आपको दिए हुए हैं फुल्ली पेड अप हैं, 400 प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 का 1 है, 40,000 के हैं। इक्विटी शेयर 20,000 है, 10 का 1 है, लेकिन 6 ही पेड अप है, यानी फुल्ली पेड अप शेयर नहीं है, इन पर 4 रुपये और मंगवाए जा सकते हैं। असेट रियलाइज 2,47,000, असेट्स को बेच के जो पैसा मिला है वो 2,47,000 मिला है, और जो एक्सपेंसेस हुए हैं लिक्विडेशन के इंक्लूडिंग लिक्विडेटर रेमुनरेशन, यानी इस एक्सपेंसेस में लिक्विडेटर की रेमुनरेशन भी इंक्लूड है, वो आपके 4,500 हुए हैं। लिक्विडेटर मेड अ कॉल ऑफ 4 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर, लिक्विडेटर ने 4 रुपये पर इक्विटी शेयर मंगवाए हैं। देखो वैसे तो हम एज पर नीड जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना मंगवाते हैं, पर जब क्वेश्चन ने साफ कह दिया कि लिक्विडेटर ने 4 रुपये मंगवा लिए हैं तो इसका मतलब 4 रुपये की ज़रूरत पड़ी होगी, या जिस भी रीज़न से जब लिक्विडेटर ने मंगवा लिए हैं तो हम भी 4 रुपये छोड़ेंगे नहीं, पूरे मंगवा लेंगे।
दिस वॉज पेड इन फुल विद द एक्सेप्शन ऑफ 500 शेयर, यानी 4 रुपये सारे शेयर्स पे मंगवाए गए इक्विटी पे, लेकिन 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, यानी उनकी कॉल इन एरियर हो गई। तो बेसिकली देखो, यहाँ पर हम ये नहीं मानेंगे कि कॉल इन एरियर रिकवर होगा, क्योंकि लास्ट में ही बताया गया है कि पैसे मंगवा रहे हैं वापस करने के लिए और वो नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल रूल क्या फॉलो करेंगे, ये नहीं है कि उनको कुछ दिया नहीं जाएगा, सारी पार्टीज़ को देने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से क्या होगा, बेसिकली हमारे पास टोटल 20,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, 500 शेयर होल्डर ने डिफ़ॉल्ट किया, यानी 19,500 शेयर्स तो ऐसे हैं जिन पर 10 रुपये पेड अप हैं, और 500 शेयर जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है उनके ऊपर सिर्फ पहले वाले 6 पेड अप हैं। तो जो हमारे पास एक्सेस बचेगा उसमें से जो हम पहले रूल अपनाते आए हैं, जिन्होंने ज़्यादा दे रखा है पहले उनका रिफ़ंड किया जाएगा, यानी पहले 19,500 शेयर्स पर 4 रुपये रिफ़ंड किए जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो बराबर बांटा जाएगा। अगर ये 4 रुपये पूरे नहीं होते हैं तो जितना बचा हुआ होगा सारा इनको दिलेगा, इनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन देखो आगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, उसके बाद हमें लिक्विडेटर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें पहले डिसिप्ट साइड में क्या क्या लेना होता है, जो जो मिला क्या क्या मिला, असेट्स को बेच के 247,000 मिले थे टू असेट रियलाइज ले लेंगे। उसके बाद कहा था इक्विटी शेयर्स पर 4 रुपये मंगवाए हैं, 20,000 शेयर पर 4 रुपये मंगवाएंगे तो आएंगे 80,000, लेकिन 500 शेयर होल्डर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया 4 रुपये के हिसाब से, यानी 2,000 रुपये नहीं आए, तो बेसिकली 78,000 ही हमें रिसीव हुए। तो लिक्विडेटर के पास जो टोटल पैसे हैं वो हैं 3,25,000। सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस देगा, क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद लिक्विडेटर की रेमुनरेशन आती है, वो 4,500 है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, तो हम इकट्ठे ही लिख देंगे बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड रेमुनरेशन 4,500। इसके बाद नंबर आता है हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, डिबेंचर होल्डर का आता है बट वो क्वेश्चन में नहीं है। देन उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमने कहा था एक तो इनकम टैक्स लायबिलिटी एज पर द रूल जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो आपकी प्रेफरेंशियल है, प्लस इसमें से 20,000 पर क्लर्क, 20,000 एक क्लर्क के, तो 2 के 40 प्लस 6 46,000, 46,000 आपकी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गई, वो पे कर देंगे। उसके बाद हमारा नंबर आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, तो अनसिक्योर्ड क्या क्या हैं, 5,000 एक क्लर्क के तो यहाँ से बच गए थे अनसिक्योर्ड, 2 के हो गए 10,000, और 2,05,000 ये, यानी टोटल 215,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उनको पे कर देंगे। उसके बाद हमारा नंबर आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उनके 40,000 रिफंड कर देंगे। अब बच गए सिर्फ इक्विटी वाले, तो अब देखते हैं हमारे पास कितना पैसा बचा है। तो देखो बेसिकली हमारे पास जो कैश बचेगा, यानी 3,25,000 में से या 40,000 तक का जितना भी अमाउंट दिखा है सारा लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो पेमेंट बचेगी कैश बचेगा वो बचेगा 19,500। और हमने क्या कहा था, पहले इनको रिटर्न किए जाएंगे, तो अगर हमें इनके 4 रुपये रिटर्न करने पड़ जाएँ तो इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास टोटल 19,500 हैं, तो हम क्या करेंगे, 19,500 को इनको जितने इनके दे सकते हैं उतने रिफ़ंड कर देंगे। 19,500 शेयर हैं, इतने ही रुपए हैं, यानी 1 रुपये पर शेयर हम रिफ़ंड कर देंगे इन 19,500 शेयर्स पर, बाकी 500 को शेयर्स को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। देखो यहाँ पर लॉस बराबर तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी देखा जाए उनका 1 रुपये रिटर्न हो गया तो भी उन पर 9 पेड अप रह गए और दूसरों पे 6, बट जब वो दे ही नहीं रहे हैं, वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब कंपनी बंद हो रही है तो हम मजबूर हैं। लेकिन जो बचेगा उसमें से ये तय है कि जब तक इनको 4 रुपये अपने वापस नहीं मिल जाते तब तक इन 500 शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो इसलिए 19,500 रुपये थे हमारे पास, 1 रुपये पर शेयर हम रिफ़ंड कर पा रहे थे, तो इन 19,500 शेयर्स को वो रिटर्न कर दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले में तो हमें सब खुद ही बता दिया था कि कितनी कॉल करनी है, यहाँ पे हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा मंगवाना है किससे। गार्डन लिमिटेड लिक्विडेशन में गई है 31 मई 2018 को, उसकी बैलेंस शीट कह रही है, शेयर कैपिटल बता रही है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1200 का एक है, 1,20,000 के, 1,20,000 पूरे फुल्ली पेड अप हैं, 1,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिनके ऊपर 75 पेड अप हैं, और दूसरे 1,000 बी कैटेगरी के शेयर्स हैं जिन पर सिर्फ 60 पेड अप है, जबकि दोनों की वैल्यू ही 100 रुपीज़ है।
उसके बाद बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, लोन दिया है जिसको लिखा हुआ है कि वो लैंड एंड बिल्डिंग से सिक्योर्ड है जिसकी वैल्यू 40,000 है। नीचे क्रेडिटर्स की ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हैं, क्रेडिटर्स फॉर सैलरी एंड वेजेस दिए हैं, सैलरी एंड वेजेस वाले प्रेफरेंशियल हैं बेसिकली, और लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन दी है वो भी आपकी प्रेफरेंशियल के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हमें लैंड एंड बिल्डिंग दी है, प्लांट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक दिए गए हैं। लिक्विडेटर वॉज अपॉइंटेड विद अ रेमुनरेशन ऑफ 3% ऑन असेट रियलाइज विद द एक्सेप्शन ऑफ कैश, यानी लिक्विडेटर को 3% असेट रियलाइज पे पेमेंट की जाएगी लेकिन इसमें कैश इंक्लूडेड नहीं है, एंड 2% मिलेगी उस पैसे पे जो कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अदर देन प्रेफरेंशियल, यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर इन एरियर फॉर 2 years, प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड है वो 2 साल से पेंडिंग पड़ा है। लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हुए हैं 30,000 और दूसरी जो असेट्स हैं एक्सक्लूडिंग कैश, कैश को छोड़ के उनसे मिले हैं 2,00,000 रुपये। लिक्विडेशन का खर्चा हुआ है 4,000 का और आपको लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनानी है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि इक्विटी पे कुछ कॉल करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें खुद देखनी पड़ेंगी कि अगर हम जो पार्टीज़ को पहले पेमेंट मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है या लॉस बराबर नहीं बट रहा है तो हमें अपने आप ही वो कॉल करनी पड़ेगी। प्रेफरेंस पर डिविडेंड हम तभी देंगे यहाँ पर जब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को उनकी कैपिटल पूरी वापस मिल रही होगी। लैंड एंड बिल्डिंग ध्यान रखेंगे कि लोन से सिक्योर, लोन इससे सिक्योर्ड है। बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। देखो कैश से अलग हमें 2,00,000 मिले रियलाइज होके तो 68 रियलाइज 2,00,000 आ जाएंगे और 14,300 हमारे पास पहले से पड़े हैं टू कैश एट बैंक 14,300 आ जाएगा। तो हमारे पास अभी ये पैसे नहीं हैं, ये हमें बाद में देखना है कि मंगवाने हैं या नहीं हैं, तो हम नोट्स टू अकाउंट में सीधा लिखते चलेंगे। यहाँ पर टोटल मत करना, कटिंग हो जाएगी बाद में जब हमें दिख रहा है कि शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है तो एक बार यहाँ पर टोटल मत लिखो, नीचे लिख लेंगे हम कि हमारे पास टोटल 2,14,300 रुपीज़ हैं और फिर हम अपनी पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। लीगल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, स्किप दैट। उसके बाद लिक्विडेटर की रेमुनरेशन क्या बोला, 3% देनी है असेट रियलाइज पे कैश से अलग। तो कैश से अलग रियलाइज कितनी हुई है, देखो 30,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हुई थी और 2,00,000 की अदर असेट्स हुई थी, तो यानी टोटल असेट्स रियलाइज हुई थी 2,30,000 की। तो 2,30,000 पे 3% बेसिकली जो लोन था आपका वो 40,000 का है और लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइज सेल करके रियलाइज हुए 30,000। तो लोन ये तो पूरे लैंड एंड बिल्डिंग के 30,000 लोन के टोवर्ड्स चले गए, बल्कि लोन अभी भी पूरा रीपे नहीं हुआ है, 10,000 पेंडिंग है। तो वो जो 10,000 पेंडिंग है उनको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लेते हैं। जब भी किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर की पूरी पेमेंट उस पर्टिकुलर सिक्योर्ड वाली असेट से नहीं हो पाती है तो बचा हुआ अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ले लिया जाता है, तो इसलिए हमने वो यहाँ नहीं लिखा। और बेसिकली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे 10,000 से बढ़ भी जाएंगे तो टोटल 2,30,000 रियलाइज हुई थी, उस पर 3% दे दिया जाएगा। उसके अलावा क्रेडिटर्स के अमाउंट पे देने हैं, क्रेडिटर्स को कितना पे किया जाएगा अभी नहीं पता तो इसको पेंडिंग रखेंगे। जो जो चीज़ें पता लगती रहेंगी उनको साथ साथ लेस करते चलेंगे हमारे 2,14,300 से। उसके बाद हमारा नंबर आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का जो कि 4,000 थे, वो पे कर देंगे। देन हमारी टर्न आएंगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। तो देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स थे हमारे पास 12,000 की सैलरी और 3,000 का वर्कमैन कंपनसेशन यानी टोटल 15,000 के, तो वो पे कर देंगे। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर आएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 60,000 ये थे और 10,000 लैंड एंड बिल्डिंग वाले बच गए हैं, तो यानी टोटल 70,000 की हो गई, तो उनको उनकी पेमेंट कर दी जाएगी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट हुई है 70,000 और हमने यही कहा था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स से अलग जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे उनको जो पैसा दिया जाएगा उस पर लिक्विडेटर रेमुनरेशन लेगा 2%, तो वो दे देंगे। अब यहाँ तक का सारा कुछ लेस कर दो, यहाँ तक सारा लेस करने के बाद हमारे पास जो पैसे बचेंगे वो बचेंगे 1,17,000। प्रेफरेंस वालों को देने हैं हमें 1,20,000। प्रेफरेंस वालों को तो इक्विटी वालों से पहले मिलने चाहिए। अगर देखो प्रेफरेंस वालों की भी पूरी पेमेंट हो जाती या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते ही नहीं फिर तो हम अपना सिंपल कंसेप्ट लगाते कि पहले एक्सेस जितना जिसने पे किया हुआ है उसका रिफंड कर दो। अगर वो एक्सेस भी पूरा पे नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें कॉल वाला कंसेप्ट तब भी करना पड़ेगा। अभी उसको भी बताती हूँ बट एक मिनट के लिए उसको पेंडिंग रखो। अभी यहाँ पर ये ध्यान रखो कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन्हें 1,20,000 देने हैं, हमारे पास 1,17,000 हैं, तो हम क्यों प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लॉस होने दें जब हम इक्विटी वालों से पैसे मंगवा सकते हैं। अब अगर हम इक्विटी वालों से
ऐसे कैलकुलेट करने जाएंगे कि इतने रुपए मंगवाने में काम चल जाएगा, इतने में चल जाएगा, तो वो बहुत पजलिंग हो जाएगा और चांसेस हैं कि आप गलत करो। सिंपल कंसेप्ट है, जितने मंगवा सकते हो सारे मंगवा लो, यहाँ नहीं मंगवाने हैं, वर्किंग नोट्स में एक बार सारे मंगवा लो। मंगवा लेते हैं हम, जस्ट अ मोमेंट, वर्किंग नोट्स में सब मंगवा लेते हैं। हमारे पास 1,17,000 पहले हैं, उसके बाद हम इन 1,000 शेयर्स पर 25 रुपीस मंगवा सकते हैं। मंगवा लेते हैं 1,000 शेयर्स पर 25 हम मंगवा सकते हैं कैटेगरी ए से, यानी 25,000 इनसे मंगवा सकते हैं। कैटेगरी बी के भी 1,000 शेयर्स हैं, लेकिन उनके ऊपर जो पेड अप वैल्यू है वो 60 की है, यानी इनसे अभी 40 रुपये मंगवाए जा सकते हैं। इनसे 40 रुपये मंगवा लेते हैं, यानी 40,000 इनसे मंगवा लें। इनसे 40,000 और इनसे 25,000 मंगवाने के बाद हमारे पास टोटल कैश हो गया है 1,82,000 का। अब हम किसको कर देंगे, 182 है तो प्रेफरेंस वालों को पूरी पेमेंट मिल सकती है, उनको उनके 120 पूरे दे दिए जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को 1,20,000 की पेमेंट करने के बाद हमारे पास बच गए 62। अब हमने एज्यूम कर ली थी कॉल, ये एज्यूम किया था हमने दोनों चीज़ें। अब एज्यूम करने के बाद देखें तो हमारे पास ए कैटेगरी के जो शेयर हैं वो 1,000 हैं और उनके ऊपर पेड हैं 100। बी कैटेगरी के शेयर भी 100,000 हैं, उन पर भी पेड हैं 100, दोनों शेयर बराबर हैं, यानी 62,000 में दोनों का बराबर हिस्सा होगा, तो 62,000 सारे शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सभी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक शेयर पर मिल रहे हैं 31 रुपीज़। अब देखो कैटेगरी ए, कैटेगरी ए से हमने 25 रुपये मंगवाए और उनको ये मंगवाए हैं और 31 रुपये रिटर्न कर रहे हैं। 25 मंगवाएंगे 31 वापस देंगे, इससे अच्छा इन्हें क्या देते हैं, 6 रुपये वापस दे देते हैं। और जो कैटेगरी बी है उनसे 40 मंगवाए हैं और 31 वापस किए हैं, इसकी बजाय उनसे 9 मंगवा लेते हैं। देखो हमने देख लिया 25 मंगवाए 31 वापस दे रहे हैं, इसकी बजाय सिर्फ 6 वापस दे दें, सफिशियंट है। एक ही बात है, 25 किसी से रुपये लोगे 31 उसको वापस दोगे, इससे अच्छा उसे 6 ही दे दो। और 140 ले रहे हो 31 दे रहे हो, इससे अच्छा उससे 9 ले लो, एक ही बात है। तो देखो यही काम हमने करना है, जो हमारे 1000 बी कैटेगरी वाले शेयर्स हैं उनसे कॉल कर लेंगे 9 रुपये, और जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं एक वाले कैटेगरी वाले हैं उनको 6 रुपये रिटर्न कर देंगे। एक शेयर पे 6 रुपये रिटर्न करेंगे यानी 6,000, और 1000 शेयर पे 9 रुपये के हिसाब से मंगवाएंगे तो 9,000, दोनों साइड का बैलेंस बराबर है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम वैसे कैलकुलेट करने जाएंगे किससे कितने मंगवाएं क्या करें, बहुत कंफ्यूजिंग काम हो जाएगा। जितना मंगवा सकते हो सारा मंगवा लो और उसके बाद रिटर्न कितना करना है वो कर लो। वैसे अगर हम जो कहते हैं ना रिमूविंग ऑफ डिस्पैरिटी, अगर वो काम भी आप ऐसे करके करना चाहो तो भी वो आंसर एज इट इज़ ऐसे ही आता है, तो आप वो क्वेश्चन भी इस तरीके से कर सकते हो कि जितना मंगवा सकते हैं सारा मंगवा लो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं मंगवाना है, नोट्स में मंगवाना है। फिर उनको कितना रिटर्न करना पड़ेगा इतना मंगवाने के बाद वो कैलकुलेट करो, और दोनों में जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग या तो मंगवा लो या तो वापस कर दो। आई होप समझ में आया होगा। 13th question and 14th question एज इट इज़ सेम है, तो आप लोग भी ट्राई करोगे, जहाँ डाउट होता है पूछ लोगे। लाइक अगर देखो देखने जाएँ, बाकी क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एक क्लास ऐसी है, देखो टॉपिक है वैसे कि डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू है, तो देखो हमने कंसेप्ट पहले डिस्कस कर ली। एक शेयर पर 75 पेड अप है, दूसरे पे 60 पेड अप है, तीसरे पे 50 पेड अप है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि जिससे जितने रुपए मंगवाए जा सकते हैं हमने मंगवा लिए, एज्यूम कर ली जितनी, और फिर हमने देखा कि किसको कितने रुपए दिए जाएंगे। सारों से एज्यूम करने के बाद जो हमने किया कि एक को हर पर्सन को रिटर्न किए जाएंगे 49 रिटर्न करने हैं, 25 मंगवा रहे हैं इसकी बजाय 24 रिटर्न कर देते हैं, 49 रिटर्न करने हैं 40 मंगवा रहे हैं इसकी बजाय 9 रिटर्न कर देते हैं, 49 रिटर्न करने हैं 50 रुपये मंगवा रहे हैं इससे अच्छा एक मंगवा लेते हैं। इस कंसेप्ट से हम जैसे अभी किया था एज इट इज़ उसी काम से तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और 13th क्वेश्चन भी एज इट इज़ सेम है, उसमें भी कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें तो चलो एक बार देख लेते हैं कि कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं इस कंसेप्ट में, तो एक बार और यहाँ पर देखो। सैलरी 4 वर्कर्स की 4 महीने की एट द रेट ऑफ 6,250 6,250 के हिसाब से पेंडिंग है, और 4 प्यून्स की पेंडिंग है 3 मंथ की और 1 महीने की 2,000 है। तो अगर क्लर्क की बात करें तो 4
6,250 एक महीने की है तो चार महीने की हो गई 25,000, 25,000 हो गई एक क्लर्क की। लेकिन एक क्लर्क की 25,000 टोटल सैलरी हुई है, 20,000 तक की ही वैलिड है, तो 20,000 के हिसाब से एक क्लर्क की और चार क्लर्क की 80,000 होगी प्रेफरेंशियल, और जो बचे हुए 5,000 पर क्लर्क और ओवरऑल बात करें तो 20,000 बच गए, वो आपके अनसिक्योर्ड में इंक्लूड होंगे। इसी तरह चार प्यून की सैलरी 2,000 रुपये एक महीने की है तो तीन महीने की 6,000 हो गई, तो 6,000 तो पूरी मिल जाएगी, और चार प्यून्स की है यानी 24,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएंगे, यानी टोटल 1,04,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होंगे। और इसके जो 20,000 बच गए हैं वो बेसिकली आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, रिमेनिंग सैलरी चार क्लर्क की वो आपके बाकी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिए गए हैं उनमें ऐड कर दी जाएगी। अगर आपको 87,400 दिए थे और 20,000 ये ऊपर वाले सैलरी वाले बच गए थे तो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 1,07,400 हो जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करोगे, जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ पर मैं हूँ। 16th क्वेश्चन तक आप लोग ट्राई करोगे, उसके बाद रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर अपॉइंट हो रहा है, तो देखो उस टॉपिक को मैं कल करवाती हूँ, बट यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है, एज इट इज़ जो डिस्कस किया है वही चल रहा है। एक एक क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करोगे, कहीं प्रॉब्लम आती है तो कभी भी पूछ सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बट ट्राई ज़रूर करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा सेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको रिसेंट अपडेट मिलती रहें, उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।